वेलकम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश को, जिसमें हम ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम इसके ग्रामर को और इसकी प्रोनंसिएशन को भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं ओल्ड इंग्लिश के साथ। जैसा कि मैंने आपको जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के ऊपर, जर्मेनिक लैंग्वेज के ऊपर जो है मैंने वीडियो पहले ही मैंने बना चुकी हूँ, तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम जो है वो जो पढ़ेंगे वो हम ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ओल्ड इंग्लिश को देख लेते हैं कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कौन सा था और इसमें कौन कौन से डायलेक्शंस जो हैं वो हुए थे। तो जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है वो स्टार्ट होता है 450 to 1150 AD से लेकर जो है इसका जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। तो ये आप जो डेट है ये आप याद रख लें। अब जो ये पीरियड स्टार्ट हुआ था, इसकी जो बिगनिंग थी वो एंग्लो सैक्सन का जो कन्क्वेस्ट हुआ था, जो एंग्लो सैक्सन ने जो भी अपनी लड़ाई लड़ी थी, जो कन्क्वेस्ट हुआ था उसके साथ जो है इस पीरियड जो है उसकी शुरुआत होती है। इस पीरियड में क्या था, ये पीरियड फुल ऑफ इन्फ्लेक्शन था। मतलब इन्फ्लेक्शन आपको पता चल जाएगा, मैं आगे आपको बताऊंगी। इन्फ्लेक्शन हम कहते हैं कि जब हम वर्ड जो है उनको बढ़ाने के लिए जो हम उनकी उनके साथ जो हम प्रीफिक्स, सफिक्स और अफिक्सेस लगा देते हैं तो उन्हें हम इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। तो ये जो पीरियड था ये फुल ऑफ इन्फ्लेक्शन था, जिसका मतलब है कि इंडो यूरोप सॉरी जो ओल्ड इंग्लिश है उसके अंदर इन्फ्लेक्शन सिस्टम जो था वो बहुत हाई था। जब ये पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसके साथ साथ जब ये कन्क्वेस्ट होने शुरू हुए तो उसमें क्या हुआ कि डायलेक्ट हुए, क्योंकि वहाँ पर जब वहाँ की हम बात करें ओल्ड इंग्लिश की, तो यहाँ वहाँ पर क्या था कि ओल्ड इंग्लिश के टाइम पर बहुत ज़्यादा किंगडम हुआ करते थे। इसी वजह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ किंगडम की वजह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ डायलेक्ट जो हैं वो वहाँ पर ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो है वो स्टार्ट हुए। उनमें से जो मेन फोर हैं वो यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, कैंटिश, वेस्ट सैक्सन्स, मैरिसन एंड नॉर्थ अम्ब्रियन। ये चार जो थे उनमें से मेजर जो थे डायलेक्ट थे, जिनमें से अब इन फोर में से भी जो सबसे ज़्यादा सुपरमेसी गेन की थी वो वेस्ट सैक्सन ने की थी। अब इन सब में से इतने सारे किंगडम थे, उनमें से ये फोर, उन फोर में से भी इस एक किंगडम, इस एक डायलेक्ट ने क्यों जो है इतनी सुपरमेसी जो है गेन की, इसके कुछ रीजंस हैं। इसके कुछ रीजंस जो है वो हम पढ़ते हैं। तो इनके रीजंस ये हैं कि जो वेस्ट सैक्सन्स थे वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड किंगडम था। पहला तो रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड किंगडम था। देन क्या था, उनकी पॉलिटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, उनकी पॉलिटिकल जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। जबकि दूसरे जो किंगडम्स थे उनके जो पीस था वो क्या था, वार की वजह से बिल्कुल जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। तो एक दूसरा रीज़न इनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। थर्ड अगर हम इसके रीज़न की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जितने भी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क थे उस टाइम के, जो जैसे भी ये लिखा हुआ है बीवॉल्फ और जो एंग्लो सैक्सन के क्रॉनिकल्स थे, ये जितने भी लिटरेरी वर्क थे उस टाइम के वो खासकर जो है वो लिखे जाते थे वेसेक्स में, मतलब वेस्ट सैक्सन की लैंग्वेज के अंदर। और दूसरे जो इम्पॉर्टेंट राइटिंग थी जैसे रेडल्स थी, ट्रिटीज़ थी, वो भी जो है वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट में जो है वो लिखा करते थे। तो ये कुछ इनके रीज़न थे। वेस्ट सैक्सन किंग जो था अल्फ्रेड, वो भी क्या था कि जब उनकी यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड हुई तब वो जो है वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट में जो है वो बात किया करते थे। जिस तरह हमने नॉर्मन कन्क्वेस्ट में देखा, आपको मैं नॉर्मन कन्क्वेस्ट की एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी कि उसमें जो किंग था वो खुद भी जो है एडवर्ड द कन्फेसर, वो कौन था, वो खुद भी हाफ नॉर्मन था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है ये नॉर्मन की जो है ये सारी चीज़ें आईं, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं कि वहाँ का जो किंग था वो खुद भी जो है वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट में जो है उस तरीके से बात करता था। तो ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों जो है वेस्ट सैक्सन को जो है सुपरमेसी मिली। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं ग्रामर की तरफ। अब सबसे बड़ा जो इसका हम अगर डिफ्रेंसीशन करें तो उसमें ग्रामर जो है फर्स्ट नंबर पर आता है। अगर आपको कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिफरेंट इज़ ओल्ड इंग्लिश फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश, तो आप उसके अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर भी आप जो है ये आंसर लिख सकते हैं।
कि ग्रामर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो ओल्ड इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश से जो है बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओल्ड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ओल्ड इंग्लिश जो थी वो सिंथेटिक थी और मॉडर्न इंग्लिश जो थी वो एनालिटिकल थी। तो सबसे मेन डिफरेंस इनका सिंथेटिक और एनालिटिकल का था। अब सिंथेटिक क्या थी कि सिंथेटिक जो थी वो किसी भी वर्ड का रिलेशनशिप बताती थी बाय मीन ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो ओल्ड इंग्लिश थी वो क्या थी, हाईली इन्फ्लेक्टेड थी, उनमें इन्फ्लेक्शन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि ओल्ड इंग्लिश क्या थी, सिंथेटिक थी। सिंथेटिक का मतलब है कि जब आप वर्ड रिलेशन बताएं बाय मीन ऑफ इन्फ्लेक्शंस तो उसे हम कहते हैं सिंथेटिक। और अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाए तो मॉडर्न इंग्लिश जो थी वो एनालिटिकल थी। एनालिटिक का मतलब है कि जब हम वर्ड रिलेशनशिप बताएं बाय मीन ऑफ प्रीपोजिशन एंड ऑक्सिलरी वर्ब, जब हम ऑक्सिलरी वर्ब और प्रीपोजिशन को यूज़ करके किसी भी चीज़ का अगर हम बताते हैं इनका रिलेशन, तो उसे हम कहते हैं एनालिटिकल, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होती है। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो तो मैंने आपको फर्स्ट यहीं पे बता दिया कि एनालिटिकल और सिंथेटिक का डिफरेंस है। फिर हम आते हैं इनकी कुछ नाउन हैं और वर्ब वगैरह प्रोनाउन वगैरह हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि ग्रामर के अंदर, आपको पता है कि ग्रामर के अंदर ये सब चीज़ें जो होती हैं। तो अब अगर हम फर्स्ट पर नाउन की बात करें तो नाउन के अंदर जो है इन्फ्लेक्शन ऑफ नाउन जो इंग्लिश का था, जो ओल्ड इंग्लिश में था, वो कैसे था। ठीक है, अगर हम इन्फ्लेक्शन की बात करें ना कि ओल्ड इंग्लिश जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन थी, तो अब हम सबसे पहले जो है नाउन के अंदर देखते हैं कि वो इन्फ्लेक्शन कैसे थी। अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ केसेस हैं। ठीक है, इसमें जो है काफ़ी नंबर ऑफ़ केसेस हैं, नंबर भी हैं और केसेस भी हैं। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश जो है उसमें दो नंबर हैं। अब नंबर कौन से हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, और अगर हम इनकी केसेस की बात की जाए तो ओल्ड इंग्लिश के फोर केसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव, जेनेटिव और डेटिव। ये आपको याद करना पड़ेगा, केसेस जो हैं इसके फोर हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव, जेनेटिव एंड डेटिव, ये फोर केसेस हैं। और टू जो हैं इसके वो नंबर हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल इसके आ जाते हैं। अब नंबर और केसेस के साथ साथ इसमें डिक्लेंशन भी हैं, जिसमें हम वॉवल डिक्लेंशन और कंसोनेंट डिक्लेंशन कहते हैं। वॉवल जो डिक्लेंशन है वो स्ट्रॉन्ग है कहलाती है, और जो कंसोनेंट डिक्लेंशन है उसे हम वीक कहते हैं। यहाँ पर जो है एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। एग्जांपल है यहाँ पर स्टोन। स्टोन जो है एग्जांपल है, मतलब वर्ड है यहाँ पर इंग्लिश का, जिस तरह हम आम यूज़ करते हैं स्टोन। लेकिन अगर हम इसे ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो इसका जो वर्ड है इसको हम स्टोन से स्टेन कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर स्टोन से क्या हो गया, स्टेन में हो गया। ये है कंसोनेंट डिक्लेंशन का, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल जो है वो बताने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो फोर केसेस मैंने आपको बताया था कि नाउन के अंदर हमेशा फोर केसेस होते हैं, दैट इज़ नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव, जेनेटिव और डेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्या हैं, सिंगुलर, और इनके केसेस को कितने होते, सो इनके नंबर कितने होते हैं, टू होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो अब हम इन्हें देखते हैं कैसे। नॉमिनेटिव जो है वो सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। तो अगर नॉमिनेटिव की बात करी जाए तो हम अगर सिंगुलर कहेंगे तो ये हो जाएगा हमारे स्टोन से, स्टेन से स्टेन, एस टी ए एन, स्टेन। और अगर हम इसे प्लूरल करेंगे तो यहाँ पर हम एस टी ए एन और ए एस, आगे इसकी ए एस इन्फ्लेक्शन लगा देंगे ए एस का, जिससे ये हो जाएगा स्टेनस। ठीक है, स्टेनस हो जाएगा। और आप एंड में देखें यहाँ पर एस जो है ये कंसोनेंट है, कंसोनेंट के साथ जो है ये एंड हो रहा है, इसलिए हम इसे कंसोनेंट डिक्लेंशन कहते हैं। सेकंड, एक्यूसेटिव सिंगुलर। सिंगुलर में अगर हम कहें तो एक्यूसेटिव जो है उसके अंदर हम इसको स्टेन लिखेंगे, और अगर प्लूरल की बात की जाए तो सेम इसमें स्टेनस लिखेंगे, यहाँ पर भी कंसोनेंट के साथ जो है इसकी स्टेम एंड हो रही है। जेनेटिव में ये हो जाएगा स्टेनिस, ए एन ई एस, ई एस जो है इसके एंड में लग रहा है, और अगर प्लूरल की बात की जाए तो यहाँ पर एस टी ए एन ए हो जाएगा, स्टेना। डेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर स्टेन, और प्लूरल की बात की जाए तो यहाँ पर स्टेनम हो जाएगा, यू एम। ठीक है, यहाँ पर अम जो है वो यू एम जो है यहाँ पर इन्फ्लेक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर इन्फ्लेक्शन यूज़ की जा रही है वर्ड और वर्ड के फॉर्म को चेंज करने के लिए, किस तरीके से यहाँ पर कंसोनेंट जो है वो एड हो रहे हैं, एस यू एम, इस तरीके का जो कंसोनेंट है यहाँ पर स्टेम में एंड हो रहा है, इसलिए हम इसे जो है कहते हैं कंसोनेंट डिक्लेंशन। अब हम आते हैं वॉवल डिक्लेंशन के ऊपर। वॉवल डिक्लेंशन का मैं आपको यहाँ पर वर्ड बताऊँ, गिफ्ट। गिफ्ट जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, और अगर हम इसे जो है ओल्ड इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा गिफा। ठीक,
अब इसके जो है फोर केसेस सेम, नॉमिनेटिव, अक्यूसेटिव, जेनेटिव और डेटिव, और इसके टू जो है वो नंबर है, सिंगुलर और प्लूरल। अगर हम सिंगुलर की बात की जाए नॉमिनेटिव में, तो यहाँ पर हो जाएगा गेफा, और प्लूरल में भी सेम गेफा हो जाएगा। एक्यूसेटिव की बात की जाए यहाँ पर गेफो, एफ यू की हम यहाँ पर इन्फ्लेक्शन करें, और प्लूरल में सेम गेफा हो जाएगा। जेनेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर गेफो और प्लूरल में जेफा, ये भी दोनों जो हैं सेम है। और अगर हम डेटिव की बात की जाए तो डेटिव जो फोर्थ केस है उसमें हमेशा जो है इन्फ्लेक्शन यूज़ होती है यू एम की, तो गेफा सिंगुलर और प्लूरल में जो है GEGIEFUM, यहाँ पर यू एम की जो है इन्फ्लेक्शन यूज़ की गई, जिस तरह हमने स्टोन और स्टैन में देखा था कि वहाँ पर जो स्टैनम हो गया तो यहाँ पर जेफम हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है यहाँ पर वॉवल डिक्लेंशन है। तो यहाँ पर जो हमने नाउन के बारे में पढ़ा है, अब है ग्रामेटिकल जेंडर। ग्रामेटिकल जेंडर हम किसे कहते हैं, जिस तरह हर नाउन के अंदर क्या होता है, नाउन हम किसे कहते हैं, आपको पता है कि नाउन हम कहते हैं किसी भी जगह के या किसी पर्सन के नेम को, किसी भी चीज़ के नेम को हम कहते हैं कि वो नाउन है। और जाहिर सी बात है जहाँ पर नेम होगा, नाउन होगा, वहाँ पर जेंडर तो आपको पता है वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल जेंडर एक चीज़ है, ठीक है, आपको इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ग्रामेटिकल जेंडर असल में है क्या, वो भी ओल्ड इंग्लिश के अंदर, हम यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो इन ओल्ड इंग्लिश, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आई एम लिखा गया, यहाँ पर इन होगा। इन ओल्ड इंग्लिश ऑल नाउन हैड ग्रामेटिकल जेंडर, हर नाउन के अंदर क्या है ग्रामेटिकल जेंडर मौजूद है, जिसका कोई नेसेसरी कनेक्शन नहीं होता विथ सेक्स। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि सेक्स के साथ जो है हम जेंडर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेल है तो इसके लिए मस्कुलिन, फीमेल है तो इसके लिए फेमिनिन यूज़ करते हैं, और अगर कोई न्यूट्रल वर्ड है तो उसके लिए हम जो है वो न्यूट्रल यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ओल्ड इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ओल्ड इंग्लिश में जो है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऐसा जेंडर जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता विथ सेक्स। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बिल्कुल उलट है इस चीज़ का, ठीक है। अगर हम नेम ऑफ सेक्स क्रिएचर की बात की जाए तो वो जो है वो न्यूट्रल होंगे, उल्टा है यहाँ पर। अगर हम किसी भी सेक्स क्रिएचर की बात की जाए तो वो न्यूट्रल होंगे, और अगर हम किसी भी इनिशिएट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वो क्या होंगे, आइदर मस्कुलिन और आइदर फेमिनाइन। एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पर वर्ड जो है स्टेन, जिसे हम स्टोन कहते हैं, आपको पता है स्टेन और स्टोन क्या है, ये एक इनिशिएट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो है इसका कोई जो है जो जेंडर इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि जेंडर का कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी सेक्स के साथ, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टोन और स्टेन को जो ओल्ड इंग्लिश में उसमें हम इसको मस्कुलाइन कहते हैं, ठीक है। किसी भी इनिशिएट ऑब्जेक्ट को मस्कुलाइन और आइदर फेमिनाइन। अगर हम सन की बात की जाए तो सन को हम जो है या सनी इसको ओल्ड इंग्लिश में कहते हैं, इसे हम कहते हैं फेमिनाइन। और अगर हम गर्ल की बात करें, जिसे मॉकडन कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल, और वाइफ जो है वो भी न्यूट्रल। अब देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल उलट है इसका, इसका कोई कनेक्शन नहीं है ग्रामेटिकल जेंडर का विथ सेक्स। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है बिल्कुल समझनी होगी। अब ग्रामर का एक और एडजेक्टिव, अब हम बात करेंगे इस फीचर के बारे में, क्योंकि हमने पहले नाउन पढ़ लिया, तो अब हम एडजेक्टिव के पास आते हैं। अब एडजेक्टिव में क्या होता है कि अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज़ डेवलपमेंट ऑफ टू फोल्ड डायलेक्शन। एडजेक्टिव में क्या होता है, टू फोल्ड डायलेक्शन होती है, टू फोल्ड डायलेक्शन सॉरी कह रही हूँ डिक्लेंशन होती है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन होती है, एडजेक्टिव में एक वीक डिक्लेंशन होती है, ठीक। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन क्या होती है कि जब कोई भी एडजेक्टिव किसी भी चीज़ को प्रोसीड ना करे, किसी के बस वो अकेला खुद स्टैंड करे, और किसी चीज़ के साथ जो इसके ना आगे हो, इसके मतलब फ्रंट में कोई भी चीज़ ना हो, वो किसी चीज़ को प्रोसीडेड ना करे, उससे हम स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन कहते हैं। और वीक डिक्लेंशन कहते हैं जब कोई भी एडजेक्टिव कोई भी चीज़ जो है वो प्रोसीड करे विथ बाय आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल के साथ अगर वो खड़ी होती है तो वो हम कहते हैं उसे वीक डिक्लेंशन। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, गॉड गॉड मैन, यहाँ पर गुड मैन को जो है ओल्ड इंग्लिश में कहते हैं गॉड मैन, जो कि स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन है। किस तरीके से स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन है, देखें आप, गुड मैन जो है ये जो इसके जो फ्रंट में है ना, इसके द लगा है ना दिस लगा है, कुछ नहीं लगा, ये अकेला खुद स्टैंड करता है, इसलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन फॉर्म कहते हैं एडजेक्टिव की। और अगर हम आ जाते हैं वीक डिक्लेंशन पे, तो वीक डिक्लेंशन में यहाँ पर आप देखें द गुड मैन को यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है से गोडा मैन, से जो है ये हम ओल्ड इंग्लिश में ये अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो इसमें द होता है, अगर ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो इसमें हम सर कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो द गुड मैन, ये जो गुड मैन है, गुड मैन जो एडजेक्टिव है, ये किसके साथ स्टैंड कर रहा है, एक आर्टिकल के साथ, द के साथ, इसलिए हम इसे कहते हैं वीक फॉर्म।
ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ किसी के साथ स्टैंड करती है, किसी के सहारे पे स्टैंड करती है तो वो वीक है, और अगर वो खुद अपने पर स्टैंड करती है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन कहते हैं। तो एडजेक्टिव का जो है एक एग्जाम्पल था। फिर हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर। अब जो है आर्टिकल जो है यहाँ पर, जिस तरह हम कहें कि हमारे पास द, ठीक है, और ये क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। अब ओल्ड इंग्लिश में क्या होता है कि यहाँ पर थ्री जेंडर्स होते हैं, इसके हिसाब से यहाँ पर आर्टिकल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। इसके लिए हम मस्कुलिन के लिए हम यहाँ पे सर यूज़ करते हैं, फेमिनिन के लिए स्यू और न्यूट्रल के लिए ट्यॉट, ठीक है। यहाँ पर ट्यॉट, इसको कहते हैं हम ट्यॉट। अब से ये क्या है द, और इस अगर फेमिनिन के लिए करें तो यहाँ पर सेओ और यहाँ पर ट्यॉट, ये तीन आर्टिकल जो है हम यूज़ करते हैं। देन हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर, ठीक है। अब जिस तरह हमने एडजेक्टिव को कर लिया, आर्टिकल को कर लिया, नाउन को कर लिया, अब हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर कि इसके अंदर क्या इन्फ्लेक्शन, क्या ग्रामेटिकल चेंजेस आई हैं। इन ओल्ड इंग्लिश के अंदर क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका एक कंप्लीट सिस्टम होता है इन्फ्लेक्शन का, मतलब कि प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन जो है उसके अंदर ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये कंप्लीट सिस्टम है इन्फ्लेक्शन का, मतलब इसके अंदर इन्फ्लेक्शन जो है कम्प्लीटली यूज़ होती है। देखें आप किस तरीके से, अगर हम फर्स्ट, यहाँ पर जो है प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है वो होते हैं, तो इसमें इसलिए हम इसको जो है एग्जांपल में देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है उसमें है आई और वी। हम, आपको पता है कि हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं आई या वी, ठीक है। और अगर हम इसे करते हैं नॉमिनेटिव में, जो कि नॉमिनेटिव में अगर हम इसे ओल्ड इंग्लिश में करें तो आई को जो है वो इक में यूज़ करेंगे और वी को जो है वी में यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है हम एक्यूसेटिव में देखते हैं, दूसरे केस के अंदर देखते हैं, तो इसमें जो है आई और वी जो है वो चेंज हो जाता है मी और अस के अंदर, ठीक है। मी और अस के अंदर जब चेंज होता है, क्योंकि आई का जो फॉर्म है वो मी भी है और वी का जो है वो अस भी फॉर्म है, तो मी और अस जो है वो चेंज हो जाएगा मी और अस में, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब अगर हम आते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन पे, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हम कहते हैं यू। आपको पता है कि सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो यू कहलाता है। तो नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव दोनों में जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या है, यू यू है। और अगर हम सेकंड पर्सन में नॉमिनेटिव में देखें तो यू जो है उसका जो इन्फ्लेक्शन है वो हो जाएगा ये और यू, ये पी यू जो लिखा हुआ है इसको यू कहते हैं, ठीक है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर हम देखें एक्यूसेटिव में, तो उसमें यू जो है वो यो और यू के नाम से जो है वो पहचाना जाता है। थर्ड पर्सन की बात की जाए तो थर्ड पर्सन जो है ही शी इट होता है, तो यहाँ पर जो नॉमिनेटिव है उसके अंदर हमने ही शी इट हो क्या है, ही को ही किया है, यू हिट और हाई, ठीक है, फॉर ही शी इट और दे, तो ये क्या है नॉमिनेटिव। और अगर थर्ड पर्सन की हम बात की जाए तो यहाँ पर एक्यूसेटिव में हिम हाय हिट हाय, ये जो है किसके लिए यूज़ होता है, हिम हर हिट इट और देम के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इसमें इन्फ्लेक्शन कितना कदर यूज़ हुआ है, किस कदर जो है यहाँ पर चेंजिंग आती है किसी भी नाउन के फॉर्म के अंदर, किसी प्रोनाउन के फॉर्म के अंदर, एडजेक्टिव के फॉर्म के अंदर किस तरीके से इन्फ्लेक्शन जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल थी पर्सनल प्रोनाउन की। अब हम देख लेते हैं वर्ब के अंदर क्या इन्फ्लेक्शन जो है वो चेंजिंग है। वर्ब जो है वो ओनली टू इसके अंदर सिंपल टेंसेज हैं, जो कि हैं पास्ट और प्रेजेंट। ओल्ड इंग्लिश के अंदर सिर्फ जो है वो टू सिंपल टेंसेज है, जिसे हम पास्ट प्रेजेंट कहते हैं, जिसके तीन मूड होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडिक्टिव, सब्जुगेटिव और इम्पेरेटिव। ये तीन जो हैं इनके फॉर्म है, मतलब पास्ट में भी ये तीन मूड होंगे, प्रेजेंट में भी ये तीन मूड होंगे, ठीक है। उसका प्रिंसिपल पार्ट जो है इसका स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, इसके फोर फॉर्म है, सॉरी, इसके हैं इनफाइनाइट, पेटिट्रेट जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, पेटिट्रेट प्लूरल और पास्ट पार्टिसिपेट। ये चार जो हैं इसके स्ट्रॉन्ग वर्ब के फॉर्म हैं, ठीक है। ऊपर क्या था कि टू इसके टेंसेज है पास्ट और प्रेजेंट, मूड कितने हैं थ्री हैं, इंडक्टिव सब्जुगेटिव और इम्पेरेटिव, और इसके फॉर्म कितने हैं फोर फॉर्म्स हैं, इनफाइनाइट, देन सिंगुलर प्लूरल पेटिट्रेट और पास्ट पार्टिसिपेट, ठीक है। तब हम इसकी जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देखें स्ट्रॉन्ग वर्ब की, जिसको हम ग्रुप करते हैं सिक्स क्लासेस में, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है वो हम ग्रुप कर देंगे सिक्स क्लासेस में, जिसके अंदर आपको पता है कि मैंने आपको केस कितने इसके जो है कितने बताए थे, फोर मैंने आपको उसके फॉर्म बताए थे, इनफाइनाइट, पेटिट्रेट सिंगुलर, पेटिट्रेट प्लूरल और पास्ट पार्टिसिपेट। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं क्लास वन की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर क्लास वन में है टू ड्राइव,
जो ड्राइव जो है इसको अगर हम इनफाइनाइट में करेंगे तो ये ड्राइव फिन हो जाएगा, सिंगुलर में करेंगे तो ड्राइव, और प्लूरल में करेंगे तो ड्राइव फिन, मतलब ए एन की यहाँ पर इन्फ्लेक्शन हो रही है प्लूरल में। प्लूरल फॉर्म को मैं चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्राइव फिन जो है इसको अगर हम सिंगुलर में करेंगे तो ड्राइव होगा, प्लूरल में करेंगे तो ड्राइव फिन ए एन की हो रही है। और अगर हम पास्ट पार्टिसिपेट की बात करेंगे तो यहाँ पर एफ ओ एन ड्राइव फन ओ एन की इन्फ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, क्लास टू की बात की जाए तो टू चूज़ जो है उसको हम अगर हम इन्फाइनाइट करते हैं, चूज़ जो है उसको हम ओल्ड इंग्लिश में कहते हैं च्यूजन। ठीक है, स्यूजन स्यूजन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सी से इसको जो है हमने प्रेजेंट किया है। लेकिन अगर इसको पैटरेट सिंगुलर की बात की जाए तो सिंगुलर के अंदर यहाँ पर जो है सेज, यहाँ पर सेज हो जाएगा, और प्लूरल में यहाँ पर क्यूरन हो जाएगा या च्यूरन, यहाँ पर ये हो जाएगा इसकी इन्फ्लेक्शन। और अगर हम इसे पास्ट पार्टिसिपेट में करेंगे तो कॉरियन, ये इसकी इन्फ्लेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लास थ्री की बात की जाए तो टू हेल्प, हेल्प जो है वो इन्फाइनाइट इसका हेल्पन होगा ओल्ड इंग्लिश में। अगर इसको सिंगुलर में करेंगे तो ये हेल्प, और अगर प्लूरल में करेंगे तो हेल्प ऑन, और अगर पार्टिसिपेट में करेंगे तो हॉल्पिन। ये देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से इन्फ्लेक्शन यूज़ हो रही है ऑन इन की। ठीक है, अगर क्लास फोर की बात की जाए तो टू बियर, बियर में क्या है यहाँ पे बैरन, बैरन जो है इसका वर्ड है जिसे हम सिंगुलर करेंगे तो बोर, और अगर प्लूरल करेंगे तो बॉरन, और अगर पास्ट पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉरन। तो ये देखें एन एन ओन का किस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लेक्शन यूज़ हो रही है। टू स्पीक, टू स्पीक अगर हम करेंगे तो स्पेशन स्प्रेक स्पेकन और स्प्रिकन, यहाँ पे देखें ऑन 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 और सी की किस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लेक्शन हो रही है। क्लास सिक्स की बात करिए तो टू गो, टू गो में क्या है इसका इन्फाइनाइट हो जाएगा फेरन, और अगर प्लूरल सिंगुलर की बात की जाए यहाँ पर फॉर फॉरन और फॉरेन, यहाँ पर देखें ओन और ई एन की किस तरीके से हो रही है। तो आप यहाँ पे याद रखें कि स्ट्रॉन्ग वर्ब में जो यहाँ पर इन्फ्लेक्शन यूज़ होगी वो एन ओन इन, ठीक है, एन ओ एन और ई एन की जो है यहाँ पर इन्फ्लेक्शन यूज़ होगी। और अगर हम यहाँ पर वीक वर्ब की बात की जाए जैसे पास्ट टेंस जो है वो हम अगर यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर अगर पास्ट में उसको अगर हम चेंज करेंगे तो हम ई डी ई ओ डी ई या डी ई लास्ट में इसके लगाएंगे, और अगर पास्ट पार्टिसिपेट में से चेंज करें तो हम इसे में ई डी ओ एफ या डी लगाएंगे। किस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर क्लास है टू परफॉर्म, परफॉर्म करना, इनफाइनाइट इसका क्या हो जाएगा फेरेमैन। ठीक है, फेरेमैन इसका इनफाइनाइट है जिसे हम ओल्ड इंग्लिश में फेरेमैन कहते हैं। अगर हम इसे यहाँ पर करते हैं पास्ट में चेंज तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रीमेड, यहाँ पर डी ई की हमने क्या की है देखिए आप ऊपर क्या पे लिखा है पास्ट टेंस में जब हम क्या ऐड करेंगे या तो ई डी ई या तो ओ डी ई या तो डी ई, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया डी ई फ्रिम मेड। यहाँ पर अगर हम पास्ट पार्टिसिपेट में करेंगे तो यहाँ पर क्या है हमने गिफ्री मेड ई डी, मतलब ई डी की हमने यहाँ पे जो है की है। देखिए हम यहाँ पर लिखा है पास्ट पार्टिसिपेट में या तो हम ई डी लगाएंगे या तो ऑफ या तो डी लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने ई डी लगाई है। सेकेंड देखते हैं टू लव, लव को यहाँ पर क्या क्या है लूफियन, अगर इसको हम पास्ट में करते हैं तो यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस बन जाएगा ल्यूफोर्ड, यहाँ पर ओ डी ई की इन्फ्लेक्शन हम लगाइए ल्यूफोर्ड, और अगर हम इसको प्लूरल में करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं ग्लूफोर्ड एफ ओ डी, यहाँ पर हमने डी लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखें हम डी का जो हमने यहाँ पर जो है इन्फ्लेक्शन यूज़ की है। टू लिव, टू लिव के अंदर हम क्या करेंगे इसको हम कहते हैं लिबन, लिबन जो है ये हम सिंगुलर में अगर हम सॉरी इसको अगर हम पास्ट टेंस में करेंगे तो ये लिफ लिफ डी डी ई हमने जो इसके एंड में लगा दिया, और अगर हम इसको पास्ट पार्टिसिपेट में करते हैं तो हम इसके अंदर गेलफाइड, ये गेलफाइड क्या है सिर्फ हमने इसके अंदर डी जो है इन्फ्लेक्शन लगाया। तो देखते हैं आप किस तरीके से जो है इसमें वीक वर्ब में जो है एडिशन हो रही है इन्फ्लेक्शंस की, तो इस तरीके से क्या होता है कि इनके जो है एडिंग होती है। तो ये है तो थी इसकी थोड़ा सा ग्रामर की हमने बात की, अब हम आते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन की। अब हम देखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश की स्पेलिंग किस तरह होती है और इसकी प्रोनाउंसिएशन हम किस तरीके से करते हैं, अब हम आएंगे इसकी तरफ। तो आई होप आपको जो है इसकी ग्रामर जो है अच्छे से समझ आ गई होगी, तो अगर आपको आ गई है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है ओल्ड इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, तो आइए अब हम इसको देखते हैं। अब अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात की जाए तो ओल्ड इंग्लिश में सेवन वोवल्स होते हैं, एज आपको पता है कि मॉडर्न इंग्लिश जो है हमारे इंग्लिश में क्या होता है कि ओनली फाइव वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, बट इन ओल्ड इंग्लिश देर आर सेवन वोवल्स इन ओल्ड इंग्लिश दैट इज ए ई आई ओ यू और वाई और ए ई, जिसको हम एश साउंड कहते हैं, जो टू वोवल या टू साउंड को कंबाइन करके ये जो है वोवल जो है वो बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सेवन जो है वो वोवल यूज़ होते हैं। ये वोवल क्या होते हैं, या तो ये लॉन्ग होते हैं या तो ये शॉर्ट वोवल होते हैं।
और ये जो है प्योर वोवल होते हैं, ना कि ये डिप्थोंग्स होते हैं। डिप्थोंग्स जो होते हैं, मैं आपको आगे चलकर समझाती हूँ कि डिप्थोंग्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप वोवल को समझ लें कि ये जो है, इसमें 7 वोवल हैं, आइधर ये शॉर्ट हैं, आइधर ये लॉन्ग है, और ये प्योर वोवल्स हैं। वाई जो है यहाँ पर हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, फर्स्ट आप अपने लिप्स को जो है, आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें, मैं भी आपको प्रैक्टिस करके बता रही हूँ। फर्स्ट आप क्या करेंगे, अपने लिप्स को आप राउंड करेंगे लाइक यू। जब आप यू बनाते हैं तो इस तरह आप वाई को करें यू या वाई, वाई करेंगे तो आपका जो राउंड क्या हो जाएंगे, लिप्स आपके राउंड हो जाएंगे। और देन आप उसको स्प्लिट करें लाइक आई वाई ए, ठीक है। आप देखेंगे, आप करके देखें, यू और आई की तरह जो है आपके लिप्स जो है वो राउंड होकर स्प्रेड हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो वाई का साउंड जो है इस तरीके से निकलेगा। अब वॉवल के साथ साथ जो है ओल्ड इंग्लिश में जो है वो डिपथोंग्स को भी यूज़ करती है। डिपथोंग्स क्या होते हैं आपको मैं बताते चलूँ। डिपथोंग्स हम कहते हैं कि जब हम दो वॉवल को जो है आपस में जोड़ देते हैं, तो उन दो पेयर को जो है हम डिपथोंग्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टू पेयर जो है वो मतलब लेते हैं, टू वॉवल साउंड जो हम लेते हैं एक पेयर बनाने के लिए, इसे हम डिपथोंग्स कहते हैं, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में क्या होता है कि सिंगल फनीम होता है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में क्या होता है, सिंगल फनीम होता है जो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ वॉइस और वॉइसलेस साउंड। किस तरीके से, मैं आपको आगे समझाती हूँ। मैं यहाँ पर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर जो है वो सिंगल फनीम होता है, जो कि मतलब एक ही फनीम होता है जो कि दो अलग अलग वर्ड के लिए, वॉइस और वॉइसलेस के लिए एक ही जो फनीम है वो यूज़ किया जाता है। वेयर इज इन मॉडर्न इंग्लिश देर आर सो टू सेपरेट फनीम। मॉडर्न इंग्लिश के लिए क्या होता है कि टू सेपरेट फनीम जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, तो एक इसका डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि ओल्ड इंग्लिश की अरेंजमेंट जो है वो प्रोटो जर्मनिक से उन्होंने नहीं ली है, बल्कि ओल्ड इंग्लिश की ये जो अरेंजमेंट है ये उनकी, उन्होंने खुद इसे जो है ऐजाद में लाया है, जिससे कि जैसे कि जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, मतलब खुद उन्होंने ये चीज़ को प्रोड्यूस किया है, खुद इनकी जो है प्रोडक्शन की है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ओल्ड इंग्लिश की अरेंजमेंट जो है वो पिछले जो है प्रोटो जर्मनिक की तरफ नहीं जाती है, बल्कि उन्होंने खुद ये चीज़ को जो है अरोज़ किया है। अब मैं आपको जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है ऊपर के सिंगल फनीम जो कि ओल्ड इंग्लिश में, और टू सेपरेट फनीम जो है मॉडर्न इंग्लिश में। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देने वाली हूँ, ध्यान से जो आप इसे समझें। इन ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में क्या होता है कि ओल्ड इंग्लिश में जो सैम्पल है वी वो हम यूज़ नहीं करते, ठीक। यहाँ पर क्या है, वी का सैम्पल जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम एक सिंगल फनीम उठा रहे हैं जिसको हम एफ़ कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है बोथ एफ और वी के साउंड को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आई बात कि अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश में एफ़ जो है वो अलग से यूज़ होता है और वी जो है वो उससे हम अलग से यूज़ करते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। ओल्ड इंग्लिश में जो है वहाँ पर एक ही ये सिंबल है एफ़, जो कि एफ़ और वी दोनों के साउंड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन फाइव, फाइव में आप देखें एफ आई एफ ई भी साउंड निकल रहा है, फाइव में निकल रहा है और फाइव वी निकल रहा है, मतलब एफ और वी दोनों का साउंड निकल रहा है। तो यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश में हम जस्ट एक एफ को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट बोथ द फनी। अब अगर हम एक और जो है सिंबल की बात करें, पेयर की बात करें, तो यहाँ पर पेयर है एस और जेड, जो कि दोनों सेम फनीम से, जैसे एफ और वी जो है सेम फनीम से जो है बिलोंग करते हैं, इस तरह से एस और जेड जो है वो भी सेम फनीम से यूज़ होते हैं। एस और जेड जो है मॉडर्न इंग्लिश में अलग अलग जो है हम यूज़ करते हैं, लेकिन इन ओल्ड इंग्लिश जो है एस और जेड जो है हम एक ही चीज़ उठाते हैं, एस को फॉर रिप्रेजेंटिंग बोथ एस और जेड साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल एस जो है वो सी, ठीक है, सी और यहाँ पर एस और जेड दोनों का साउंड निकल रहा है सी। हाउस, हाउस में एस और जेड दोनों का साउंड निकल रहा है हाउस। स्टोन, स्टोन में क्या हो रहा है, एस और जेड दोनों का साउंड निकल रहा है। इस तरीके से अगर जेड की बात की जाए तो जेड भी हम अगर यूज़ करेंगे तो जेड जो है दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे, एस के लिए भी और जेड के लिए भी। लाइक नोज़, नोज़ में जेड और एस दोनों का साउंड निकल रहा है, आप कह के देखें नोज़। बूजम, बूजम में भी दोनों का ये निकल रहा है। नेक्स्ट हम पेयर की हम बात करें तो ई और के का वो है जो कि च साउंड जो है वो कहलाता है। ई और के जो है उसको हम कहते हैं च का साउंड, जो कि बिफोर फ्रंट वॉवल जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एस और सी, जिसे हम श का जो है साउंड यूज़ करते हैं, एस सी को हम श साउंड कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर शिप हो गया एस सी आई पी, एस सी क्या हुआ शिप, या अगर हम करें मॉडर्न में तो यहाँ पर शिप एस एच आई पी, मतलब श का साउंड जो यहाँ पर यूज़ होता है, तो एस सी जो है श का साउंड जो रिप्रेजेंट करता है। जी की बात करें तो जी जो है वो दोनों प्रेजेंट करता है जी और जे का साउंड, ठीक है। लाइक इसके अंदर हम बात करें तो जीप,
ठीक है, जीप में जे और जी दोनों का साउंड जो है वो यूज़ हो रहा है। सी जी की अगर हम बात करें तो सी जी जो है वो ज का साउंड प्रोड्यूस करता है। ज ज साउंड कैसे, ई सी जी या सी जी जो इसके अंदर, या तो फिर एच ई डी जी ई, ये क्या हो गया, एच एच का साउंड जो है वो सी और जी दोनों में प्रोड्यूस हो रहा है। एन अगर हम प्रोनाउंस करें तो एन का साउंड जो होता है वो हम प्रोनाउंस करते हैं इंग फॉर्म, देख ठीक है, इंग फॉर्म जो है बिफोर के और जी जो है हम इसे यूज़ करते हैं, जिस तरह संग संग और सिंग। देखो एन का जो है, एन और जी, ये जी का दोनों का जो है ये इंग फॉर्म जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि नेजल साउंड भी हम कहते हैं। देन एक और है के और सी का, के और सी को हम कभी कभी जो है च भी जो है हम यूज़ करते हैं, के को हम सी के तौर पे यूज़ करते हैं या सी को हम के तौर पे जो है हम कभी कभी यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम के को जो है चर्च मतलब च की करते हैं चर्च, या कभी कभी हम कूल जिस तरह हम कहते हैं तो कूल जो है उसमें हम सी लगाते हैं, के नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका डिफरेंस हम मालूम करते हैं यहाँ पर पैलेटलाइजेशन से, ठीक है। पैलेटलाइजेशन मतलब जो हमारी पैलेट होती है, हमारा जो रूफ जो होती है हमारी माउथ की, उसको पैलेटल स्टॉप जो हम कहते हैं, कि जहाँ पर च अगर देखें तो आप फ्रंट जो आपकी जो टिप जो है टंग की, वो आपकी जो है ऊपर पैलेटल से जो है वो लगती है सी में, और के में जो है आपकी पिछली जो है बैक जो पैलेटलाइजेशन है उसके साथ आपकी मिलती है वेलर, जिसे हम वेलर कहते हैं। आगे को हम पैलेटल कहते हैं और पीछे को हम वेलर साउंड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे हम जो है इसकी जो है डिफरेंस जो है मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और साउंड है, यहाँ पर थीटा का साउंड, जिसे हम बोथ रिप्रेजेंट करते हैं इन थिंग और इन दिस। अब थ में और द में दोनों में हम जो है इसे यूज़ करेंगे इन थिंग और इन दिस। तो ये कुछ जो हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स थी जो कि हमने ओल्ड इंग्लिश की आज देखी है, आज हमने इसकी ग्रामर देखी है। आई होप आपको जो है इजीली समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।